हे चाम्स, मैं आसिफ इकबाल, फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्लास 11 सीबीएसई के लिए यूनिट 6 स्टार्ट होने वाला है। ये यूनिट 6 टू पार्ट्स में होने वाला है, राइट? यूनिट 6 विल बी इन द पार्ट 2, पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। सो इसमें हम देखेंगे, ये यूनिट 6 में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सो यूनिट 6 विल बी द फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग है। इसमें टोटल 4 सब यूनिट्स है, लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ ए लीडर। सेकेंड, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, ये हम देखने वाले, ये दो हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में। ओके, सो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजूरीज, ये हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में, राइट? ये जो है कि यूनिट नंबर 6 विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ओके, पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। सो हु विल बी टीचिंग यू? इट्स नन अदर देन आसिफ इकबाल। माई नेम इज आसिफ इकबाल एंड आई एम हैविंग 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन। अलॉन्ग विद दिस आई हैव क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन। आई हैव डन माई मास्टर्स एज वेल एज बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड आई हैव डन माई NIS इन एथलेटिक्स। आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट, मैराथन रनर एज वेल एज मोटर स्किल ट्रेनर। सो वॉट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? नेम टॉपिक का नाम क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ ए लीडर। अब हम देखने वाले विच इज द फर्स्ट सब पार्ट, राइट? सो ए लीडरशिप क्या होता है यार? लीडरशिप इज नथिंग बट आपके बिहेवियर को, राइट, आपके बिहेवियर को डोमिनेट करते हुए जो लीडर के बातों से आप मोटिवेट होके बिहेव करते हो ना, उसे ही हम कहते हैं लीडर। समझ रहे हो ना? देखिए, इफ यू से आपका आपका प्लान क्या आता है? आज पबजी खेलना प्लान होता है, देन उसके बाद पढ़ाई का प्लान होता है। तो आपके टीचर ने आपसे बात करा है, देन यू हैव चेंज यूर प्लान, फर्स्ट डू द पढ़ाई देन गो फॉर द पबजी। क्या हो रहा है? आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है? पहले पबजी है, देन उसके बाद स्टडी है। यू हैड ए टॉक विद टीचर, आप टीचर से बात कर रहे हो या पेरेंट्स से बात कर रहे हो या नेबर से, ब्रदर सिस्टर, किसी ना किसी से बात कर रहे हो। बात करने के बाद देन यू हैव डिसाइडेड, फर्स्ट यू विल गो फॉर द स्टडी, फर्स्ट यू विल गो फॉर द स्टडी, देन यू विल गो फॉर द टू प्ले पबजी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। कौन चेंज कर रहा है? ए पर्सन। वो पर्सन को ही हम लीडर कहते हैं। हूएवर चेंजेस यूअर बिहेवियर, ओके, आपका बिहेवियर कौन भी चेंज कर, कोई चेंज करा, देन दैट पर्सन इज विल बी कॉल्ड एज एन लीडर। लीडरशिप इज द बिहेवियर, लीडरशिप एक बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द पीपुल मोर देन द बिहेवियर अफेक्ट्स दैट ऑफ द लीडर। देखिए, आई एम द आसिफ सर इज ए पर्सन, ओके। सो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे यूसुफ, ओके, यूसुफ इज ए लीडर, ओके। यहाँ पे यू ये क्या कर रहे हैं? लीडर इज डूइंग XYZ थिंग, कोई वर्क कर रहे हैं। सो आसिफ क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है या रिलैक्स हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे, अरे यार, वो आसिफ यूसुफ काम कर रहा है, आई ऑल्सो नीड टू वर्क, मुझे भी मेहनत करना चाहिए, मुझे भी काम करना चाहिए, बोलते। सो फीलिंग आता है ना मुझे, इफ आई गेट दैट फीलिंग एंड आई फॉलो द सेम थिंग हियर बाय डूइंग इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू XYZ, ABC भी वर्क करे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई एम गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम दिस लीडर। सो दिस इज कॉल्ड एज एन लीडरशिप। एक पर्सन का बिहेवियर अपने बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करे तो उसे ही हम कहते हैं लीडर, राइट? सो क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, देखिए, लीडर हम किसे कह सकते हैं यार? सबको तो लीडर नहीं कह सकते। यू माइट बी मोटिवेटिंग 1 or 2%, 1%, 2%, कभी कभार हो जाता है ऐसा फुलुक में, इज इट और नॉट? कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या उसे भी लीडर कहते हैं? नो, उसके लिए सर्टेन क्वालिटीज रहते हैं। देखिए, हमेशा लीडर एनर्जेटिक रहना चाहिए, जोशीला रहना चाहिए, राइट? अगर मैं आपको यार क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, उसमें फर्स्ट क्वालिटी है एनर्जेटिक, देन उसके बाद में है बी फ्रेंडली विथ ऑल, बी लॉयल टू ऑल, ऐसे आराम से बोलने से कोई आ जाएगा कि आपको भी जोश नहीं रहेगा, मुझे भी जोश नहीं रहेगा। सो जब तक मैं जोश में नहीं रहूंगा, मेरे फॉलोअर्स भी जोश में नहीं रहेंगे। मैं जोश में रहूंगा तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आई एम द लीडर, सो देर विल बी फ्यू फॉलोअर्स फॉर मी, फ्यू सबऑर्डिनेट्स, देर विल बी बॉस ही जोश में ना रहे तो एम्प्लॉयज कहाँ से रहते हैं यार? सो जोश में रहना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रेंडली एंड फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। देखिए, कैसे रहना चाहिए? देखिए, बॉस, अब बॉस एंड एम्प्लॉय है यार, ओके? तो एम्प्लॉय को क्या हो गया? फीवर आ गया है। सो फीवर आने से ये बॉस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? काम तो बहुत है, नो डाउट, फिर भी बॉस क्या करना चाहिए?
एम्प्लॉय को से बात करना चाहिए, हाँ यार आज आपको फीवर है ना, यू गो एंड टेक रेस्ट, बोल के बताने से हियर इज द अफेक्शन, ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, दैट्स द सेकेंड थिंग। फ्रेंडलीनेस क्या होता है, सो एम्प्लॉय को फीवर आया है तो ये आके बॉस से शेयर कर पाए कि सर मुझे फीवर आया, आई कैन नॉट वर्क, आई नीड सम रेस्ट, बोल के बोलने वाला जो इंडिपेंडेंस होता है ना, उसे ही हम कहते हैं फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस डजंट मीन दैट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है फिर भी बॉस बॉस लाइट ले रहा है, ऐसे नहीं होता है, समझ लो ना। सो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, मतलब बॉस एंड एम्प्लॉय कैसे रहना है, एक दूसरे के प्रॉब्लम शेयर करते सो कंडीशन में रहना है और एक दूसरे का प्रॉब्लम समझते सो कंडीशन में भी रहना है। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। थर्ड क्वालिटी क्या है, डिसिसिवनेस, राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट, ओके, राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना लीडर का काम। ऐसा ना हो कि यहाँ कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इट माइट बी रॉन्ग बट फ्यूचर के लिए भी सोचकर डिसीजन लेना पड़ता है। सो करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, टाइम टाइम बॉन्ड में डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। टेक्निकली स्किल्ड, देखिए आई एम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, ऐसे ना हो कि मुझे 1 to 10, आप लोग को 1 to 10 units है, ऐसा ना कि मुझे ओनली आउट ऑफ 10 चैप्टर्स में 6 चैप्टर्स आते हैं, 4 चैप्टर्स मुझे नहीं आते। सो अगर मुझे 6 आ रहे, 4 आ रहे, नए आ रहे, देन आई एम नॉट टेक्निकल स्किल्ड। इफ आई एम गेटिंग 10 out of 10, देन आई एम टेक्निकली स्किल्ड इन माई सब्जेक्ट। उसी तरह अगर मैं, सो जब क्या होगा, बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, अरे सार को ही पता नहीं हमें क्या पढ़ाएंगे बोल के हो जाएगा। सो ये 4 units का ये 6 units पे भी इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। सो आई नीड टू बी टेक्निकली स्किल्ड, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए। देखिए यार आप जैसे बच्चों को हैंडल करने के लिए आपसे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। अगर आपके बिहेव आपके एक्शन के बाद हम बिहेव ले रहे हैं, देन इट्स नॉट प्रॉपर। आप पहले आप क्या करने वाले हो, एनालाइज करके, गेस करके ही हम पहले कुछ ना कुछ ऐसा रूल बना दे कि आप वो रूल ब्रेक करने से आप प्रॉब्लम में आ जाओ और गलती ना करें। सो ए लीडर शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स मतलब देखिए एक काम करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। देखिए अब मैं क्लास लेना चाह रहा हूँ, सो आई एम वेरी गुड इन टेकिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास ऑन द बोर्ड एंड लाइव। अगर मुझे ऐसा सिस्टम पे लेना है, ऑनलाइन लेना है, बोल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ, अपग्रेड माई स्किल्स। सो आई शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट इन ऑल द वेस, मतलब ऐसे पढ़ाने, अरे बुक के साथ पढ़ाओ बोलने से बुक के साथ पढ़ाने में स्किल रहना चाहिए, गैजेट्स यूज करके पढ़ाने में भी मैं स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। देखिए यार हमेशा आपको लाइक एवरी टाइम सेम एग्जाम्पल देके बोलने से क्या होगा, नहीं चलेगा। बुक में जो है वो बोलने से नहीं चलेगा, आपको आपके रियल लाइफ से मिलाना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। इज इट और नॉट, आपके दिमाग में फिक्स होना है बोल तो क्या है, आपको नया नया वे में समझाना चाहिए। सो जब तक मैं क्रिएटिव ना हूं तो कुछ भी ऐसा नया नया सोचता है, ओनली जो बुक में है वही पढ़ा देता हूँ। इज इट और नॉट। नेक्स्ट इंटरेस्ट इन रिसर्च, हमेशा इंटरेस्ट इन रिसर्च इज नथिंग बट अपग्रेड। देखिए यार आप मोबाइल हमेशा अपग्रेड करते हो, 3 साल से 4 साल में एक फोन खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस, राइट, और ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। सेम उसी तरह देखिए, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर बुक चेंज हो रहा है सीबीएसई का, फॉर एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन प्लान के हिसाब से, आई नीड टू अपग्रेड। ऐसा ना कि मैं ये बुक इतनी मेहनत से सीखा हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आई वोंट गो, आई विल बी फॉलोइंग दिस ओनली, लेट सीबीएसई डू वॉट एवर इट वॉन्ट, बोलने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, हमें जॉब से निकाल देंगे। सो आई नीड टू बी, नया क्या आ रहा है, मुझे मैं अपग्रेड करना चाहिए। सो अपग्रेडेशन कैसा होता है, नया क्या है उनके पता करना चाहिए, पता करके सीखना चाहिए, पता करना और सीखना ही नथिंग बट इंटरेस्ट इन रिसर्च। गुड हेल्थ, आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी हेल्दी। अगर हेल्दी ना रहे, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, गुड हेल्थ मतलब फ्री फ्रॉम डिजीजेस। अगर मैं फ्री फ्रॉम डिजीजेस ना रहता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, द प्रॉब्लम इज दैट, क्या प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट आई विल नॉट बी रेगुलर टू द वर्क। अगर रेगुलर में वर्क, रेगुलर से वर्क को ना जाऊंगा क्या होगा, देखिए वॉर में अगर किंग ही डेली नया आ रहा है, उसका हेल्थ खराब है, तो अपने सोल्जर्स का क्या होगा, मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। मैं हेल्दी रहने से रेगुलरली जाऊंगा, सुपरविजन करूंगा, गाइडेंस करूंगा,
राइट अपडेट्स लेते रहूंगा, इससे क्या होगा, अरे सर आके देखेंगे, राइट सर आके हमें हेल्प करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम पे बोलते, सो एक फीलिंग रहे इन माई एब्सेंस अगर कोई प्रॉब्लम आया दे विल बी स्टॉपिंग इट, राइट। डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, देखिए डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, देखिए एक काम करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल, वेदर इट माइट बी अ स्मॉल वर्क, वेदर इट मे बिग बैंग आते, फिर भी उसे ओवरकम करके, गिव अप ना करके उसे ओवरकम करना, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी होते हैं, स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन अवर वर्क एंड वी नीड टू कंटिन्यू विथ अवर वर्क एंड द टास्क। हाई मोटर कैपेसिटी, आई नीड टू बी फिजिकली फिट, अगर मैं फिजिकली फिट ना रहे हूं तो क्या होगा, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक ही जगह चेयर पे बैठ के ये करिए वो करिए ऐसे करिए वैसे करिए बोले से क्या होगा, धीरे धीरे मेरे ऊपर से फेथ चले जाएगा और बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा हम मेरे टीम मेंबर्स को, क्यों आएगा, अरे यार ये तो हमेशा चेयर पे बैठते, बाहर कभी आके काम करने से पता चलेगा, बट आई कैन नॉट कम आउट एंड डू द वर्क बिकॉज आई एम नॉट फिजिकली फिट। रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, देखिए हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, आई शुड नॉट बिहेव कि मैं बॉस हूँ सो आई एम द फाइनल अथॉरिटी, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वी नीड टू बी वेरी रेस्पेक्टफुल, अगर कोई कुछ बोल रहा है सर ये प्लान योर प्लान इज गुड बट वी कैन डू इट इन मच बेटर वे बोलने से, वॉट इज अ मच बेटर वे बोल के सीखना है, अगर वो अच्छा रहे तो उसे अडेप्ट भी करना चाहिए, यार माई बॉस हूँ मेरा प्लान आप फॉलो करिए, आपका प्लान मैं नहीं सुनूंगा, यू आर हियर टू लिजन टू मी नॉट आई शुड लिजन टू यू, ऐसे वाले फीलिंग से नहीं रहना, वी नीड टू रेस्पेक्ट ईच अदर। एंड सोशल, सोशल मतलब क्या है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, आई नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, आई नीड टू बी इन ए पोजिशन वेयर आई शुड वेलकम द अदर्स ऑल्सो, दूसरों को भी वेलकम करते सो कंडीशन में रहना चाहिए, सबके साथ भाईचारा मेंटेन करना चाहिए, एंड लॉजिकल डिसीजन मेकर, इमोशनल इमोशनल नहीं बनना चाहिए, दैट आई शुड नॉट बिकम एन इमोशनल डिसीजन मेकर, अगर मैं इमोशनल डिसीजन मेकर बन रहा हूँ तो क्या हो, डिसीजन गलत हो सकते हैं, लॉजिकल से क्या होगा, सबका फायदा होगा, जिससे फायदा होगा उससे उसके हिसाब से जाना चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि अरे ऐसे करने तो उसको बुरा लगे ना, वो बुरा के बारे में भूल जाइए। मोरालिटी एंड लॉयल्टी, मोरालिटी एंड लॉयल्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक एग्जाम्पल देखता हूँ, एक्स बॉस क्या करता है अपने मेंबर्स से ले अपने मेंबर्स के साथ ग्रुप बनाकर अगेंस्ट द मैनेजमेंट, ओके कोई धरना पे उतर जाता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक्स बॉस को बुलाकर कुछ अमाउंट दे देता है, अमाउंट दे के अरे छोड़ दीजिए बोलते ही, अरे छोड़ दे यार क्या है धरना करना क्या करता है, तेरे को भी लॉस है मेरे को भी, चल तू 1 लाख ले ले 10 लाख ले ले रफा दफा कर दे बोलते, क्या करता है, अरे यार छोड़ दो ये लोग करने वाले कुछ ना कुछ हमका ढमका बोल के मेंबर्स को धरना क्लोज करा देता, ऐसा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे बाहर जो बात करता है वी नीड दिस जस्टिस बोल दो, यहाँ पे भी वी नीड दिस जस्टिस बोल के रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसे ले लिया है हमका ढमका बोलता दिया चले गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ओके। तो गुड कम्युनिकेटर जो बोलना चाह रहा है उसे सही तरीके से अच्छे तरीके से मिस कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए, एंड राइट यूसेज ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए। रोल ऑफ ए लीडर, अब व्हाट इज द नेक्स्ट, अब तक हम क्या देखे, क्वालिटीज, ओके क्वालिटीज मतलब एक लीडर में क्या क्या चीज होना चाहिए, अब हम देखेंगे रोल ऑफ ए लीडर मतलब लीडर क्या क्या करना चाहिए, ओके। स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन में देखिए 10,000 मेंबर्स का एक रैली हो रहा है, या 10,000 मेंबर्स का एक रैली हो रहा है, ओके। रैली में क्या करना चाहिए, इसमें कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, सो यू नीड टू गो दिस वे, सो यू हैव टू रीच हियर, कोई इधर जाता है कोई इधर कोई इधर, ऐसे कोई ना जाए तो उसको कैसे करना चाहिए, राइट। अगर कोई लड़े झगड़ा हो गया है वो क्राउड में 10,000 के उसमें कौन कैसे क्या क्या करेगा हमें क्या पता है यार, सो सिचुएशन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हुए मतलब लीडर्स मल्टीपल लीडर्स को बनाना चाहिए, और 100 100 मेंबर्स का या 500 मेंबर्स का एक ग्रुप, एक एक ग्रुप बनाना चाहिए, और सारे ग्रुप्स को अपने अपने लीडर्स के कंट्रोल में रखना चाहिए, हमेशा सिचुएशन को एक कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा ना कि अरे वो कराए मुझे पता नहीं बोल के नहीं बोलना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी एज पर द प्लानिंग, ओके। कंट्रोलिंग द ग्रुप बिहेवियर, तो क्या होता है कभी कभी बहुत सारे लोग लड़े झगड़े के लिए उतर जाते हैं, ऐसे लड़े झगड़ा ना हो उसके लिए भी कंट्रोल करना चाहिए, राइट। क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चरिंग, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ग्रुप बिहेवियर कोई गलत कदम ना करे जिससे कि ग्रुप की बदनामी हो, ऐसे स्पीकिंग फॉर द ग्रुप मतलब सबके लिए बात करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे जो पसंद है वही बात ना,
जिससे सारे ग्रुप मेंबर्स को फायदा हो वही बात करना चाहिए, राइट। प्लानिंग फॉर द ग्रुप, जो भी करे ग्रुप के लिए करना चाहिए, अपने खुद के, जो मैं बताया हूँ ना, मैनेजमेंट और बॉस बॉस के बीच में, लॉयल्टी के बीच, मोरालिटी एंड लॉयल्टी में बताया हूँ ना, ऐसा रहना चाहिए। प्लानिंग फॉर द ग्रुप मतलब सबकी फायदा के लिए देखना चाहिए। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो प्लान डालते हैं ना वो प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना, ऐसा नहीं कि एक्सलेंट प्लान डाले हो तो एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लीडर एज ए रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसी से बात करना, एक ही आदमी बात करना है, सारे के सारे 10,000 मेंबर्स बात करने से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ एक आदमी 10,000 के लिए बात करना चाहिए। ओके, सो लीडर एज ए कंट्रोलर फॉर इंटरनल रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है, अपने क्लास में भी होता है ना यार, दो या थ्री ग्रुप्स बन जाते हैं, ऐसे ग्रुप्स सिंगल ग्रुप में अगेन टू या थ्री ग्रुप्स नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हो ना, या नहीं तो सिंगल ग्रुप शुड नॉट डिवाइड इंटू टू ग्रुप्स। सो रिलेशनशिप भी सिंगल ग्रुप को सिंगल ग्रुप के ऐसे लगाना चाहिए। नेक्स्ट, लीडर एज ए एग्जाम्पल, ऐसे आ रहे यार लीडर, इंसान बोलता है ऐसे होना चाहिए यार, ही इज अ करेक्ट डिसीजन मेकर, मतलब उसको देख के मोटिवेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। अरे यार वो ही बेकार है, वही टाइम को नहीं आता है, हमें टाइम हम क्यों जाए यार, टाइम को ऐसे में न रहना, लीडर मतलब लीडर के ऐसे एग्जाम्पल लेना चाहिए, अरे रहना है तो ऐसा रहना है बोलकर, गॉट इट। सो नेक्स्ट देखेंगे, सो वी हैव सीन द रोल ऑफ ए लीडर एंड क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। क्या क्वालिटीज एंड रोल हम थ्रू फिजिकल एजुकेशन सिखा सकते हैं क्या? क्या हम लीडर्स को बना सकते हैं क्या थ्रू फिजिकल एजुकेशन? यस, हाउ? देखिए, लीडर हैज टू बी बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसको पॉलिश कर सकते हैं हम। ओके, इफ लीडर इज नॉट बॉर्न, इफ यू आर पॉलिशिंग इट अप टू सम व्हाट एक्सटेंट, समझ गया हूँ। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एज आई एम द फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो आप लोग का स्कूल कैबिनेट होता है ना, स्कूल कैबिनेट, जिसको हम हेड बॉय हेड गर्ल ये सारे रहते हैं ना, स्पोर्ट्स कैप्टन ये सारे, तो हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ही और शी शुड बी गुड इन स्टडीज, नो डाउट इन इट, एटलीस्ट 70% या 60% कैलिबर रहना चाहिए इन स्टडीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज द लीडरशिप स्किल्स आर ऑलरेडी डेवलप्ड एमोंग स्टूडेंट्स विच नीड्स फ्यूचर डेवलपमेंट। पहले क्या करते हैं, एक्स बोलते सो स्टूडेंट में एक क्वालिटीज है या नहीं है देखते हैं, देखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं। सो हाउ वी विल बी चेकिंग इट आउट, डू दे हैव क्लियर प्लान, जो भी वो काम करते हैं उसके लिए क्लियर प्लान होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट, डू दे कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन क्लियरली एंड एंकरेज, क्या वो जो बताना चाह रहे हैं ग्रुप को वो ठीक से बता पाते हैं या नहीं बता पाते, अगर बता रहे तो क्लियरली बता रहे हैं या नहीं बता रहे, और अपने टीम को इंकरेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी देखेंगे। और द स्टूडेंट्स दे लीडिंग और मोटिवेटेड, देखिए आपको लीडर बना दिए, बनाने के बाद आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके टीममेट्स मोटिवेटेड है या नहीं है, अपने एक काम को दिया गया उसका प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एक लीडर में हम क्या देखते हैं, इसके उसमें कोई स्किल्स है या नहीं है, आसिफ सर है यार, आसिफ सर के उसमें स्किल्स है या नहीं है देखते हैं। सो कैसे देखते हैं, प्लान के बारे में देखते हैं, इंस्ट्रक्शन के में जो क्लैरिटी है या नहीं है वो देखते हैं, एंड अपना टीम को मोटिवेट रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है वो देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, राइट, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके पास क्वालिटी वन है उसे आइडेंटिफाई कर लेके उसका लिस्ट बना देते हैं। ओके, लिस्ट बनाकर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को दे या नए बच्चों को दे। ओके, डिसाइड यू वांट टू हैव मोर स्टूडेंट्स और गिव अपॉर्चुनिटी टू यंग लीडर्स फॉर इंप्रूविंग द लीडरशिप। सो लीडरशिप डेवलप करें, या सबको अपॉर्चुनिटी दे, या जो पुराने हैं उनको ही कंटिन्यू कराए, या नहीं तो पुराने और नए लोग को ला के बहुत बड़ा ग्रुप बनाए, या नहीं तो नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी थी, ये हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ओके, थर्ड वाला, इन लोगों को लीडरशिप देते हैं, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी देते, कैसे देते हैं, बाई ऑफिशियल एक एम्पायर बनाते हैं, या प्ले ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, लाइक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन प्लेइंग, ऑर्गेनाइजिंग लाइक फेस्टिवल्स, कुछ ना कुछ उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ओके, थ्री में पॉइंट ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर देखते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ओके, अगर कोई कोर्सेस है स्कूल के तरफ से वो कोर्सेस करने के लिए भी एंकरेज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वाला क्या है, गिव अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू। ओके, फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, एंड देन उसको क्या कर रहे हैं, एंकरेज भी कर रहे हैं उसका लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने के लिए। देन उसके बाद क्या करते हैं,
हम और ज्यादा एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं और उसे कंटिन्यू करने का भी चांस देते हैं। गिव अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू डेवलपिंग देयर स्किल्स, प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दैट स्लो शो प्रोग्रेशन इन चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इन दिस वे दे कैन प्रोग्रेस, इस तरह ये लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट वाला क्या है, रिकॉग्नाइज लीडर्स, वो लोग को रिकॉग्नाइज जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉग्नाइज करे, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए और उसको एंकरेज भी कर रहे हैं, तो उसके बाद कौन अच्छा काम कर रहा है उसको देखते हैं, देख के उसको मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए बैज या क्या कुछ ना कुछ देते हैं या स्टेज पे बुलाकर अप्रिसिएशन दिलाते हैं। ओके और इसके साथ क्या करना चाहिए, वो लोग के ऊपर भरोसा, हर चीज एक टीचर पीछे रहकर नहीं कर आएगा, कुछ चीज उसको उसके ऊपर छोड़ देगा, छोड़ने के लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ओके एंड शो देम दे यू बिलीव देम दे कैन इम्प्रूव लीडरशिप, उनके ऊपर भरोसा दिलाना चाहिए दैट दे कैन हैंडल इट अगेन, राइट। सो ये पूरा होने के बाद वो लोग को रिवॉर्ड्स देना चाहिए जिससे कि उनका मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी, स्पिरिट कंटिन्यू हो, एंड इसे फिर से अगेन कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर करना, एक बार करने से ना होगा, कंटिन्यूअसली रिपीटेशन करने से रिजल्ट आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन, पार्ट वन एंड हो चुका है, अब पार्ट टू, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड यूर लव्ड वन, साइनिंग ऑफ फॉर टूडे, बाय।